नींबू पानी बनाना तो हम सब जानते हैं, लेकिन आज हम ऐसा नींबू पानी बनाना सीखेंगे जो सिर्फ 2 से 3 हफ्तों में ही कम से कम 5 किलो तक वजन कम कर सकता है। वजन घटाने के साथ साथ ये नींबू पानी हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा, डाइजेशन भी अच्छा करेगा, स्किन को भी निखार देगा और बहुत सी बीमारियों से हमें बचाएगा। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ 4 नींबू। अब सबसे पहले इन नींबूओं को अच्छे से धो लेंगे। आजकल सब्जियों में इतना ज्यादा पेस्टिसाइड डाला होता है कि इन्हें अच्छे से धोना बहुत जरूरी है। जो नींबू पानी आज मैं बनाने वाली हूँ उसमें ये और भी जरूरी है, और ये क्यों जरूरी है वो आपको आगे पता चल जाएगा। तो इन नींबूओं को धोने के लिए मैं ले रही हूँ 1 बोल में 3 कटोरी पानी। इसके साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कटोरी सिरका। अब नींबूओं को इसमें डाल के अच्छे से धो लेंगे। आप चाहें तो इसे सिर्फ पानी से भी धो सकते हैं, लेकिन ऐसे धोने से इसका 98% तक बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। अब इसे प्लेन पानी से धो लेंगे। अब ये नींबू अच्छे से क्लीन हो चुके हैं। अब इन नींबूओं को हम काट लेंगे। अब एक ग्लास में इन सभी नींबूओं का जूस निकाल लेंगे। जो लेमन वाटर हम आज बनाने जा रहे हैं उसमें हम इस नींबू के रस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन इसे आपने वेस्ट नहीं करना। इसे आप और किसी चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सैलेड्स या सूप्स। तो अभी के लिए इसे साइड पर रख देंगे। अब बचे ये नींबू के छिलके, और इसी के साथ हम बनाएंगे हमारा वेट लॉस नींबू पानी। तो सबसे पहले एक पैन में 1 लीटर पानी उबलना रख दें। अब इसमें डालेंगे ये नींबू के छिलके। अब नींबू के फायदे तो हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन इस नींबू के छिलके के फायदे कोई नहीं बताता, और इसीलिए इसे अक्सर फेंक दिया जाता है। इन छिलकों में करीब 20 ऐसे पदार्थ हैं जो कि कैंसर तक से बचा सकते हैं। इन नींबू के छिलकों में विटामिन सी और विटामिन बी के साथ साथ ढेर सारा फाइबर, कैल्शियम और पोटेशियम भी होता है, जो कि हमारी डेली डाइट के लिए जरूरी है। इन छिलकों के रस से ना सिर्फ चेहरे के पिंपल्स रुक सकते हैं, बल्कि कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारियों से भी बचा जा सकता है। तो कुल मिला के इन नींबू के छिलकों में नींबू के रस से 5 से 10 गुना ज्यादा विटामिन्स होते हैं, इसलिए इसे कभी वेस्ट ना करें। गैस को तेज आंच पर रखें ताकि पानी अच्छे से उबल जाए और नींबू के छिलकों का सारा रस अच्छे से इस पानी में मिल जाए। 8 से 10 मिनट तक पानी को उबलने दें। जब ये पानी गुनगुना रह जाए तो इसमें 1/2 चम्मच सेंधा नमक या काला नमक डाल लें। जो नमक हम खाने में इस्तेमाल करते हैं वो नहीं डालना। इसे अच्छे से मिला लें और अब हमारा ये नींबू पानी तैयार है। इसे गुनगुना पिए तो बहुत बढ़िया है, और नहीं तो नॉर्मल यानी कि रूम टेम्परेचर पर भी इसे पी सकते हैं, लेकिन इसे फ्रिज में नहीं रखना या ठंडा करके नहीं पीना। अब पूरे दिन में आप जब भी कोई मील लें तो उसके 1/2 घंटे के बाद आपने 1 ग्लास के नींबू पानी लेना है। इसका मतलब 1 ग्लास ब्रेकफास्ट के 1/2 घंटे बाद, 1 ग्लास लंच के 1/2 घंटे बाद और 1 ग्लास डिनर के 1/2 घंटे बाद। ये शुरुआत में आपको पीना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन 2 से 3 दिन में ही इसकी आदत हो जाएगी, और जब आप कुछ दिनों में अपना वजन गिरते देखेंगे तब तो अपने आप ही मोटिवेशन आएगी। बहुत से लोग इसे बीच में ही छोड़ देते हैं और फिर परेशान होते हैं जब उन्हें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। अगर आप रेगुलरली 15 से 20 दिन ये नींबू पानी ले लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से वजन कम कर लेंगे, इसलिए इसे बीच में ना छोड़ें। इस नींबू पानी को लेने के साथ साथ अपनी डाइट का भी ध्यान रखें। हेल्दी खाएं, हर रोज वॉक या कोई एक्सरसाइज करें, अपने मील्स टाइम पर लें और मीठा खाने से बचें। वैसे तो इस ड्रिंक के सिर्फ फायदे ही फायदे हैं, पर कुछ कंडीशंस में आप इसे अवॉइड करें।
अगर आपको टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम हो या लो बीपी रहता हो तो इस ड्रिंक को अवॉइड करें।